हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्नी फूड। आज की हमारी रेसिपी है पालक पनीर। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए ऑयल, जीरा, गरम मसाला, हल्दी, कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक, मैश किया हुआ टमाटर, पनीर और पालक। सबसे पहले हम पालक को धोएंगे और इसे अच्छी तरह से काट लेंगे। इसे काटने के बाद हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर बंद करने के बाद हम इसे 3 सीटी लगवाएंगे। जब 3 सीटी लग जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और कुकर को नीचे उतार लेंगे। इसके बाद ध्यान रहे, प्रेशर कुकर को एकदम से नहीं खोलना है, इसकी गैस बाहर निकलने देनी है, उसके बाद हम इसे खोलेंगे। तीन सीटी लगने के बाद हम इसे नीचे उतारेंगे और गैस निकलने के बाद हम इसे खोलेंगे। अब हमारा पालक बॉयल हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी या ब्लेंडर की हेल्प से पूरी तरह से मैश कर लेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया है। आप चाहे तो ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो मिक्सी और ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसे बॉयल करने के लिए आधा गिलास पानी डाला था। हमने कम पानी इसलिए लिया था क्योंकि पालक भी अपना पानी छोड़ता है, तो आप चाहें तो कम पानी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा पालक अच्छी तरह से मैश हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम पैन में ऑयल लेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे और उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इसके गर्म होने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और उसे हल्का ब्राउन होने तक गर्म करेंगे। जब हमारे प्याज का रंग हल्का ब्राउन हो जाए तब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसके बाद जो हमने टमाटर ग्राइंड किया है उसको डालेंगे और उसे अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया है। टमाटर डालने के बाद हम इसे धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे पकाने के बाद हम इसमें अब नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पालक डालेंगे और उसे अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। पालक को तड़के के साथ अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे और इसे चम्मच की सहायता से बीच बीच में हिलाते रहेंगे। उसके बाद जो हमने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे हैं उसको इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं, उससे इसका थोड़ा सा स्वाद बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको ऐसे ही काट के डाल सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा पालक पनीर बनकर तैयार है। आशा है कि आपको पसंद आएगा। फॉर मोर वीडियोज़ एंड रेसिपीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल नन्नी फूड। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।